top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. साहब बिहार में बिहार के औकाफ में जो बदनवानियां हो रही थी उसके खिलाफ वो एक मुसलसल आवाज उठा रहे थे। पुलिस ने इस तरह से उनके साथ पेश आई है कि जो वाकई चोरों डाकुओं के साथ भी इस तरह से पेश नहीं आया जाता, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा क्योंकि ये पुलिस जो है इस तरह से आतंकवादियों के साथ भी नहीं उलझती है। जिस तरह से उनके ऊपर जो है बीमार आदमी के ऊपर जो है लाठियां चलाई गई हैं, वो तस्वीरें अगर आप देखें तो वाकई आपको देख के अंदाजा होगा कि यानी इस तरह से कि जैसे जानवरों और भैंसों और मसलन इनका भी जो है कोई वो नहीं होता, जिस तरह से इन बेगुनाह लोगों के ऊपर, उनके बीवी बच्चों के ऊपर किताबें इस तरह से गिराई हैं, मकान का एक एक सामान जो है वो इधर से उधर किया है, ये ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये पुलिस जो है वो खुद वक्त चोरों का साथ दे रही है। एक प्रशासन को, हुकूमत को इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। ये पता नहीं क्या नीतीश जी के मकासिद हैं तो जिन्हें वो इस तरह से पूरा करना चाहती हैं। जाहिर है हुकूमत की कोताही है, हुकूमत की कोताही है कि जिस तरह से औकाफ के अंदर बदनवानियां हो रही थी और आवाज बुलंद करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई इकदाम नहीं हो रहा था, तो ये जाहिर है कि इंतजामिया भी खराबी है। हम एक तो पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरा प्रोटेस्ट हमारा इस बात के लिए है कि देखिए हम किसी की जायदाद के ऊपर कब्जा नहीं करना चाह रहे हैं, हम किसी के कोई मिल्कियत को छीन नहीं रहे हैं। हमारे जो वक्फ हैं, जो हमारे बाप दादा ने किए हैं, हम उन्हीं औकात को जो है वो सही ढंग से चलाना चाहते हैं। इसके अलावा हमारी कोई डिमांड ही नहीं है, तो हमारी ये मामूली सी डिमांड भी जो है वो सरकार अगर पूरी न कर सके तो हम उसे कैसे अपनी सरकार समझें। सरकारें तो आज के दौर में तो ज्यादातर जो है वो बस प्रशासन करने के लिए होती है, हुकूमत चलाने के लिए होती है, लेकिन बहरहाल अब हम अपना प्रोटेस्ट जो है वो तेज करेंगे और इस हुकूमत को जो है वो हम भरपूर तौर के ऊपर जो है उसके खिलाफ आके खड़े होंगे और इंशाल्लाह। देखिए ये इस तरह की जातियां तो देखिए यूपी में भी हो रही हैं, यूपी में जिस तरह से जो है वो वसीम को वक्फ कंट्रोलर बनाया गया, वो वक्फ बेच रहा है बिल्कुल आंखें बंद किए हुए, जो बिहार से ताल्लुक नहीं है लिहाजा मैं गहराई में नहीं जा सकता, लेकिन ये जो सूरत हाल तो आ रहे हैं। जहाँ पे ये हादसा हुआ है मैं बस ये कहना चाहता हूँ श्री नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार से, कि वो बिहार में जो भी वक्फ के में जो भी भ्रष्ट और भ्रष्टाचार लोग हैं उनको अविलंब निलंबित करें,
उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे। मुजफ्फरपुर में जो गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन को और जो वक्फ स्टेट के लोगों ने जो गलत इन्फॉर्मेशन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके दिया है, देखिए मौलाना सैयद मोहम्मद शबीब काजिम साहब हमारे पेश इमाम है, पिछले 5 सालों से एक देश के लिए बात करने वाले, एक मोहब्बत इत्तेहाद के लिए बात करने वाले, ऑल कम्युनिटी के लिए बात करने वाले, शिया सुन्नी के लिए बात करने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप उनके के खुतबे को देखें जुमे में जो वो खुतबा देते हैं, सिवाय हाईली इंटेलेक्चुअल पूरे हिंदुस्तान में दुनिया में क्या चल रहा है, हर डेवलपमेंट में हमारा क्या रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एजुकेटेड बात वो करते हैं, किसी भी बातों के साथ नहीं चलते। स्पेसिफिकली कौन से मुद्दे को लेकर आपने अभी, बस ये हमारा बस एक ही एजेंडा है कि शिया वक्फ बोर्ड जब बोल रहे हैं, शिया वक्फ बोर्ड इसका मतलब कि शिया जुड़ा हुआ है, सुन्नी वक्फ बोर्ड बोल रहे हैं इसका मतलब कि सुन्नी जुड़ा हुआ है, सुन्नियत जुड़ी हुई है, शियत जुड़ी हुई है, तो हम सबकी जो इस्लामिक वर्ल्ड है इंसान के नाते हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने वक्फ की साथ वफा करें, हम करें। मौलाना शबीब काजिम